बिहार में गरीब परिवार के एक एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए नीतीश सरकार देगी। इन परिवारों की संख्या 94,33,312 है। जाति आधारित गणना के दौरान इनका आंकड़ा जुटाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में इन गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। इसके बाद 16 जनवरी यानी मंगलवार शाम को मंत्रिमंडल की बैठक में गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके लाभ सभी वर्ग के गरीब परिवारों को मिलेगा। ये राशि 3 किश्तों में दी जाएगी, यानी पहली किश्त में 25%, दूसरी में 50% और तीसरी में 25% राशि दी जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। उन सभी परिवार के एक एक सदस्य को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए तक की राशि किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि 63,850 आवासहीन और भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60,000 रुपए की राशि की सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। जो 39 लाख परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं, उन्हें भी पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए प्रति परिवार 1,20,000 रुपए की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2,50,000 करोड़ की राशि व्यय होगी। इन कामों के लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का नीतीश सरकार ने लक्ष्य रखा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।